दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। ये पेपर इसरो का है, यू आर राव उपकेंद्र बेंगलुरु का है। 24 मार्च 2019 को हुआ था ये पेपर, उसी की आंसर की है, पूरा पेपर है। इसमें कुल 60 प्रश्न है टेक्निकल के, और जो पोस्ट थी उसका नाम था टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल। 24 मार्च 2019 को पेपर हुआ था, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का पेपर है। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए प्रश्नों से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या एक है कि प्रतिरोध का पारस्परिक कौन है। देखिए पारस्परिक है, अगर इंग्लिश की साइड अपन पढ़ेंगे तो प्रश्न अच्छे से याद रह जाएगा। द रिसिप्रिकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो प्रतिरोध का उल्टा जो होता है वो चालकता, यानी प्रश्न का उत्तर कर देंगे ए कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रिसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती कौन है, प्रश्न का उत्तर रहेगा ए चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप एक समान वोल्टेज अनुमत में है, 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप से तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये अपन से पूछा गया। देखो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए सूत्र रहता है वी स्क्वेयर अपॉन पी। अब दोनों की जब वोल्टेज रेटिंग सेम है तो एक बार तो हम भाग देंगे 60 का और एक बार हम भाग देंगे 25 का, तो सीधी सी बात है आंसर जो है वो किसका आएगा, 25 वाट का ज़्यादा। यानी अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो भी देख सकते हैं, नहीं तो वोल्टेज रेटिंग इन्होंने बताई नहीं, ये कह रहे हैं कि सेम वोल्टेज रेटिंग का है। तो मान लीजिए कि वोल्टेज हम 1 वोल्ट मान लेते हैं, तो देखो एक तो संख्या बनेगी 1/60 और एक संख्या बनेगी 1/25, ठीक है, तो ज़्यादा कौन सी होगी, 1/25 जो है वो ज़्यादा होगी। यानी 25 वाट का जो लैंप का प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 60 वाट के लैंप से अधिक होगा, प्रश्न का उत्तर रहेगा सी। वैसे भी ध्यान रखो जब वोल्टेज रेटिंग सेम हो तो कम वाट वाले लैंप का रेजिस्टेंस अधिक होता है, यानी जिसकी वाटेज रेटिंग कम होगी प्रतिरोध उसका ज़्यादा होता है, और वोल्टेज ड्रॉप अगर सीरीज के लिए बात करें तो उस पर अधिक होता, यानी 60 वाट के लैंप का प्रतिरोध कम है और 25 वाट वाले का रेजिस्टेंस अधिक है, प्रश्न का उत्तर अपना सी रहेगा, 60 वाट के लैंप से ज़्यादा। 25 का पूछा था यानी 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध, तो 60 वाट के लैंप से हायर देन हो जाएगा, उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में पटलित कोर का उपयोग घटाने हेतु किया जाता है। देखो पटलित कोर का मतलब है लेमिनेटेड कोर, इजी प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है और वैसे भी आपने इस तरह के प्रश्न कई जगह देखे होंगे। कोर को लेमिनेट करने का उद्देश्य होता है एडी करंट आने को कम करना, इसलिए प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। अच्छा बहुत बार स्ट्रेसिस हानि के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए हम कोर सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, यानी अगर सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, इस तरह का प्रश्न हो तब तो ए करेंगे, और लेमिनेटेड क्यों करते हैं तब एडी करंट हानि कम करना, यानी अभी इस प्रश्न का उत्तर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट और 3 एम्पियर घंटा वी निर्देश वाली एक बैटरी से 10 घंटे तक लगभग कितनी धारा ली जा सकती है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कर सकते हैं, बैटरी की क्षमता 3 एम्पियर घंटा क्षमता है और 10 घंटे तक सप्लाई लेनी है। देखो धारा ज्ञात करने के लिए फिर सूत्र रहेगा कि बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता बटे लिए जाने वाला समय, यानी बैटरी की कैपेसिटी बटे टाइम। देखो बैटरी की कैपेसिटी है 3 एम्पियर घंटा और हमें सप्लाई लेनी है 10 घंटे तक, इसलिए बैटरी हमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 घंटे तक दे सकती है, यानी 0.3 एम्पियर करंट के अकॉर्डिंग लोड को अपन सेट करके रखें तो ये बैटरी 10 घंटे तक डिस्चार्ज नहीं होगी, 10 घंटे तक आराम से सप्लाई अपन को दे सकती है, प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, डीसी जनरेटर में दिक परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या है। कम्यूटेटर का मेन फंक्शन पूछा है, ठीक है, कम्यूटेटर का काम हम सब जानते हैं। देखो जनरेटर डीसी का हो या एसी का हो, दोस्तों आपको एक बात बता दूं, दोनों ही फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं और दोनों के चालक में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो हमेशा एसी होता है, यानी प्रेरित ईएमएफ प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। अब अगर हमें बाहरी साइड में डीसी आउटपुट प्राप्त करनी है तो इसके लिए कम्यूटेटर लगाया जाता है, यानी कम्यूटेटर का काम होता है उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी।
ठीक है, प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी परिपथों का पावर फैक्टर। तो डीसी परिपथ में पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। पावर फैक्टर इकाई क्यों होता है, इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि डीसी में कभी कोई प्रतिघात नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिघात की वैल्यू हम मानते नहीं हैं, क्योंकि देखो प्रतिघात तभी आता है जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस काम करे। डीसी सर्किट में चाहे अपना रेजिस्टर जुड़ा हुआ हो, चाहे कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, चाहे इंडक्टर जुड़ा हुआ हो, तीनों का केवल और केवल रेजिस्टेंस काम करता है। यानी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस काम नहीं करेगा, केवल रेजिस्टेंस होगा। यानी डीसी में हमेशा कोई भी सर्किट हो वो शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट ही होता है। आपको एक बात और बता दूं, शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट ही होता है। यानी कि शक्ति खपत हमेशा वहाँ पर कौन सी होती है, वास्तविक शक्ति ही होती है। यानी आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति दोनों बराबर ही होती है। डीसी सर्किट में प्रतिघाती शक्ति का मान जीरो होता है। और अगर प्रतिघात के लिए हम बात करें तो XL जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, इसलिए वो जीरो हो गया। और XC जो है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए वो अनंत हो गया। अब ना तो जीरो काम करेगा और ना ही अनंत काम करेगा, इसलिए DC में प्रतिघात होता नहीं है। तो R/Z भी अगर आप करते हो तो R/R ही होगा। वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति वाला वो सूत्र लगाते हैं तब भी पावर फैक्टर का मान एक ही आएगा। यानी DC सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा इकाई ही रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है। देखो इलेक्ट्रिकल आग की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वायर में पानी नहीं डालेंगे, एसिड नहीं डाल सकते, और फोम टाइप यानी झाग वाला जो है वो भी काम में नहीं ले सकते। तो प्रश्न का उत्तर बी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। यानी ये पाउडर आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो यही बेटर ऑप्शन रहता है। और अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर की शक्ति दक्षता अधिकतम कब होती है। खैर ये प्रश्न उल्टा पूछ लिया, ये पूछ रहे हैं कि शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है। एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब उसमें आयरन लॉस का मान कॉपर लॉस के मान के बराबर हो जाए। ट्रांसफार्मर में दो ही हानियाँ होती है, स्थिर लॉस और फिक्स परिवर्ती लॉस। तो जब फिक्स लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर यानी आयरन लॉस का मान कॉपर लॉस के मान के बराबर हो जाए तब ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होती है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, कि जब वह ऐसा भारित हो कि तांबे की यानी लोहे हानि के बराबर हो। यानी ट्रांसफार्मर पर भार इस प्रकार का हो कि उस समय कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तब फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। जब अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ती है तो देखो फ्रीक्वेंसी गति के समानुपाती होती है, और जब जब स्पीड बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो प्रश्न का उत्तर अपने ए रहेगा, क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीज अल्टरनेटर स्पीड तो फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। प्रश्न का उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है। विद्युत प्रघात से संरक्षण का देखो मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। विद्युत झटके से कौन बचाव करेगा, तो आपको बता दूं विद्युत झटके से बचाव के लिए ELC भी होती है। पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी जब धारा मिली एम्पियर में अनबैलेंस होती है तो यह ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और बचाव करता है। इसके अलावा MCCB यानी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, MCB, ACB ये सब हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से ही बचाव करते हैं। यानी सामान्य सर्किट ब्रेकर दो ही चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है, एक तो ओवरलोड और दूसरा शॉर्ट सर्किट। इसलिए ELCB या इसकी जगह आजकल नया नाम आने लग गया RCCB, तो इन दोनों में से जो भी नाम आ जाए उसका उत्तर अपने लिए बी रहता, यानी RCCB या ELCB। तो ये अपन को विद्युत झटके से बचाव करती है। प्रश्न का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को स्टार्ट करने के लिए बाहरी प्रतिरोध जोड़ा जाता है। देखिए बाहरी प्रतिरोधक एक ही मोटर में जोड़ा जाता है, इंडक्शन मोटर है, क्योंकि इंडक्शन मोटर के संदर्भ में दिया है। वैसे तो DC मोटर में भी आर्मेचर प्रतिरोध है, तो वो एक तरह से जो स्टार्टर है वो बाहरी प्रतिरोधक ही होता है। लेकिन AC के संदर्भ में दिया है, तो AC में हम सब जानते हैं केवल स्लिप रिंग मोटर में लगता है। रोटर को बाहरी प्रतिरोधक के जरिए अपन शॉर्ट करते हैं, जिसको रोटर रेजिस्टेंस या रोटर रियोस्टेट अपन कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, स्लिप रिंग मोटर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। हालांकि DC मोटरों का अगर ऑप्शन होता तो फिर उनमें भी होता है, ठीक है। और तो प्रश्न का उत्तर अपने बी रहेगा,
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि स्क्रल केज में नहीं होता और उसके बाद में सिंक्रोनस मोटरें दिए, तो सिंक्रोनस मोटर तो दोनों कोई भी हो उनमें नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर को तो केवल डीसी देते हैं और स्क्रल केज इंडक्शन मोटर का रोटर अंदर ही शॉर्ट रहता है। तो प्रश्न का उत्तर बी रहेगा, स्लिप रिंग मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा चलता है, इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड हमेशा हमेशा सिंक्रोनस गति के स्पीड से कम होती है, यानी सिंक्रोनस गति ज़्यादा और रोटर गति हमेशा कम होती है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोटर में स्लिप। इंडक्शन मोटर में स्लिप होती होती है, सामान्यतः स्लिप का मान 2-5% तक होता है। जब मोटर अपने सामान्य भार पर चलती है तो 2-5% स्लिप होती है। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा सी, सिंक्रोनस गति से कम गति पर, यानी इंडक्शन मोटर का रोटर सदैव सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलता है। प्रश्न का उत्तर रहेगा सी। और अगर सिंक्रोनस मोटर होती तब प्रश्न का उत्तर हो जाता ए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की स्लिप नहीं होती है, स्लिप का मान जीरो होता है। तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर चलता है, जबकि इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति से कम गति पर चलता है। अगला प्रश्न है, तीन फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर से, देखो तीन फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे तो क्या होगा? स्टार्टिंग धारा कम हो जाती है, ये तो श्योर है। अब स्टार्टिंग धारा घटने के देखो ऑप्शन दो है, ए या बी, यानी सी और डी उत्तर तो नहीं होगा, श्योर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, ए ऑप्शन में कह रहा है कि धारा और टॉर्क दोनों घटते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है धारा कम करता है टॉर्क को बढ़ा देता है। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इंडक्शन मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी उसको मिलने वाली वोल्टेज अगर कम होती है तो टॉर्क कम होगा, स्वाभाविक है। और ये हम सब जानते हैं कि स्टार में मोटर को कम वोल्टेज मिलती है, इसी वजह से तो धारा कम हुई, इसलिए टॉर्क और धारा दोनों कम हो जाते हैं। प्रश्न का उत्तर ए होगा, स्टार्टिंग धारा और टॉर्क दोनों कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को किसी उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर क्यों लगाया जाता है? सिंक्रोनस तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर को उपकेंद्र यानी सब स्टेशन के अभिग्राही सिरे यानी रिसीविंग एंड पर, यानी सिंक्रोनस मोटर को किसी सब स्टेशन के रिसीविंग एंड पर हम क्यों लगाते हैं? देखो सिंक्रोनस मोटर से हम पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जब सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइट करके चलाते हैं तो ये पावर फैक्टर सुधारती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, और हम इसको आसानी से लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। तो एक कारण तो ये, दूसरा कारण जैसा कि इन्होंने बी ऑप्शन में भी बताया कि स्टेबलाइज द सब स्टेशन वोल्टेज, यानी उपकेंद्र की वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए भी, तो इस काम के लिए भी सिंक्रोनस मोटर काम आती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी रहेगा कि उपयुक्त दोनों कार्य करने हेतु, परफॉर्म बोथ अबोव फंक्शन, तो पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए और सब स्टेशन वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं। प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है कि तीन फेज और चार तार सप्लाई सिस्टम के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर संयोजन सबसे बेटर होगा? तो सबसे बेटर जो है वो डेल्टा स्टार ही रहेगा, क्योंकि थ्री फेज और फोर वायर सप्लाई सिस्टम होती है तो ये आवासीय फील्ड के लिए वितरण के लिए लाइन अपन काम में लेते हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई जाती है। तो वितरण की जो लाइन होती है उसमें डेल्टा स्टार ही होता है, क्योंकि स्टार बनने से ही फोर वायर निकलेगा जहाँ तीन फेज और एक न्यूट्रल की तार होती है और वितरण के लिए आगे भेज दी जाती है। उत्तर रहेगा बी, डेल्टा स्टार तीन फेज फोर वायर सप्लाई के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो समांतर शर्तों के लिए सही नहीं है? देखो सबसे पहला स्टेप अपन को यहाँ दिया गया, तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि ट्रांसफार्मर में समान वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, तो वोल्टेज अगर बराबर होगी तभी समांतर अगर में जुड़ पाते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा कह रहा है कि मस्ट हैव सेम रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सेकेंडरी ट्रांसमिशन का जो अनुपात होता है वो एक समान होना चाहिए, तो ये भी सही है। समान फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तभी तो समांतर में जुड़ेंगे या सिंक्रोनाइज हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। डी ऑप्शन जो कह रहा है कि समान केवीए रेटिंग, तो ये गलत है। केवीए रेटिंग बराबर होने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूँ केवीए जो होता है वो वी इंटू आई होता है। अब दोनों की केवीए रेटिंग बराबर आ सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि केवीए रेटिंग बराबर हो तो वोल्टेज बराबर हो। जैसा कि आप मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट सप्लाई का है और
वो स्टेप अप करके 500 वोल्ट कर रहा है। अगर इसकी प्राइमरी साइड में 10 एम्पियर धारा है तो सेकेंडरी साइड में धारा इसकी 5 एम्पियर हो जाएगी। अब आप देखिए इनकी ना तो वोल्टेज सेम है ना करंट सेम है, जबकि दोनों की केवी रेटिंग एक बराबर आएगी। दोनों 2500 केवीए के यानी 2.5 केवीए के 2.5 केवीए के है दोनों, तो केवी रेटिंग समान हो गई लेकिन दोनों की वोल्टेज रेटिंग बराबर नहीं थी। तो इसका डी उत्तर रहेगा कि डी गलत है, केवी रेटिंग बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो उपरोक्त तीन शर्तें इसके लिए सही थी, वोल्टेज रेटिंग बराबर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर और फ्रीक्वेंसी बराबर। तो प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर की एक विशेषता है कि वह, सिंगल फेज मोटर की क्या विशेषता है? तो बी ऑप्शन सबसे बेटर है कि इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक फेज सप्लाई पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है, यानी स्टेटर में 90 डिग्री का फेज अंतर होना आवश्यक है। और इसके लिए हम एक फेज को दो फेज में बांटते हैं, और इसके लिए जैसे अपन कैपेसिटर लगाते हैं, शेडिंग रिंग लगाते हैं, कई विधियाँ होती है फेज बांटने की। तो सिंगल फेज मोटर तब जाकर स्टार्ट होती है। प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा को उत्क्रम किया जा सकता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा पूछी है। देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के दो वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। अब या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के या रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदल करके हम मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं। दोनों वाइंडिंग के सिरे एक साथ बदलने से घूमने की दिशा कभी नहीं बदलती है, तो इसलिए प्रश्न का ए उत्तर तो नहीं हो सकता, दोनों कुंडलियों के संयोजनों को बदल। बी उत्तर सही रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन उत्क्रम करके, यानी या तो स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी एक का करना होता है। सी ऑप्शन कह रहा है आपूर्ति के संयोजन, तो इससे भी नहीं होगा। और उसके बाद में कह रहा है कि यूजिंग ए रिवर्सिंग स्विच, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न का उत्तर तो बी रहेगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन अपोजिट करके, विपरीत करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1000 प्राथमिक टर्न वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। एक सेकेंडरी 400 वोल्ट के लिए सेकेंडरी साइड में टर्न का मान कितना होना चाहिए? देखो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और जो रेशियो होता है टर्न का, उनमें संबंध रहता है V2/V1 बराबर N2/N1। V2/V1 N2/N1 ये दोनों का इनमें संबंध रहता है। अब V2 है जो सेकेंडरी वोल्टेज है, और सेकेंडरी वोल्टेज का मान यहाँ पर अपने को 400 दे दिया। V1 होता है प्राइमरी वोल्टेज, तो वो होती है जो सप्लाई से जोड़ा गया, तो 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया। N2 सेकेंडरी के टर्न ज्ञात करने, जबकि प्राइमरी के टर्न अपन को दे दिए 1000। तिरछा गुना अपन अगर करेंगे तो क्या बनेगा? 1000 × 400/250। यानी सेकेंडरी के टर्न N2 ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या रहेगा कि 1000 × 400 और उसमें 250 वोल्ट का अपन भाग दे देंगे। देखो 250 वोल्ट को 1000 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 4, और 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 1600। यानी टर्न का मान कितना होगा? 1600। तो सेकेंडरी साइड में 1600 टर्न अगर होंगे तो वहां पर 400 वोल्ट सप्लाई हमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि दो कुंडली ऊंचाई परिणामीतर के प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरित EMF E1 और E2 में क्या संबंध होता है? दो वाइंडिंग वाले एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें E1 और E2। ध्यान रखना दोस्तों कुल तीन आंकड़े होते हैं, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। एक V1 होता है, एक E1 होता है और एक E2 होता है। हालांकि ये नो लोड कार्य प्रणाली हमारे आपको प्लेलिस्ट में, ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में नो लोड ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का आपको एक टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ना, ये चीज़ समझ में वहाँ भी आएगी। देखो V1 होता है जो हम प्राइमरी वाइंडिंग पर आरोपित करते हैं, इसकी वजह से एक फ्लक्स का निर्माण होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी साइड में एक EMF प्रेरित होता है, वो कहलाता है E2। लेकिन सेल्फ इंडक्शन के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक EMF उत्पन्न होता है, वो कहलाता है E1। तो अब आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा। E1 और E2 जो होते हैं, ये तो होते हैं इन फेज, क्योंकि इन दोनों में जो E1 और E2 उत्पन्न हुए, इनका कारण V1 था, इसलिए ये लेंज के नियम का अनुपालन करेंगे और इनकी काम करने की दिशा V1 के विपरीत होती है। यानी V1 अगर अपना इस साइड काम कर रहा है तो E1 और E2 इस साइड काम करेंगे। अब V1 और E1 क्या होते हैं? मान में तो बराबर होते हैं, लेकिन होते एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले हैं। ऐसे ही E2 की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो होगा V1 का विरोधी। यानी अपन से अगर V1
और E1 के बारे में पूछा जाए तो 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। V1 और E2 के बारे में पूछ लिया जाए तब भी 180 डिग्री का फेज अंतर होता है, लेकिन अगर E1 और E2 के बारे में पूछ लिया जाए ना तब 0 डिग्री का फेज अंतर होता है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित EMF और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित EMF तो हमेशा एक दूसरे के इन फेज होते हैं, और प्रश्न का उत्तर रहेगा C, एक दूसरे के कला में होते हैं, इन फेज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं। प्रश्न का उत्तर C रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना 21वां है कि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में ही चलता है। तो प्रश्न को कुछ अलग लैंग्वेज में बता देता हूँ दोस्तों, शॉर्ट लैंग्वेज में सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमता है। तो दोस्तों ये लेंज के नियम का अनुपालन करता है, और इसीलिए क्यों आपको दोबारा बता दूं, इंडक्शन मोटर भी ट्रांसफार्मर की भांति होती है और वो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होती है। रोटर के घूमने की दिशा स्टेटर में घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है तो रोटर के घूमने की दिशा भी बदल जाती है, और ऐसा लेंज के नियम के अनुपालन के कारण होता है या लेंज के नियम के कारण होता है। तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। ध्यान रखना है मोटर में जो चलने का सिद्धांत होता है वो फेराडे का है, लेकिन रोटर की घूमने की दिशा पूछी जा रही है तो वो लेंज के नियम पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार ही ये वह उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। इसलिए घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर पर एक बल लगाता है, रोटर घूम जाता है। तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी विभक्त कला संधारित्र मोटर में क्या नहीं होगा, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर है ये पूछा गया है। देखो स्थाई कैपेसिटर मोटर है तो नाम से ही पता लग रहा है कैपेसिटर स्थाई रूप से लगा रहता है। अब कैपेसिटर हटाने वाला कोई है नहीं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी नहीं हटेगी, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। स्क्रू केज रोटर भी होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी होगी और हाई पावर फैक्टर भी, ये तो तीनों इस मोटर की विशेषता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच उस मोटर में नहीं होता, क्योंकि ना तो हमें कैपेसिटर को हटाना है ना स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना है, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए रहेगा कि स्थायी कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, यानी प्राइमरी से जब वोल्टेज से तुलना करें तो हम सब जानते हैं ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता है। एक ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी हमेशा स्थिर रहती है, यानी इनपुट की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी आउटपुट की, तो प्राइमरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के एक समान, इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, सेकेंडरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होती है। प्रश्न का उत्तर रहेगा B, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कभी परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर एक साथ घूर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो ये एक साथ घूमने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि दोनों की स्पीड एक जितनी हो, यानी जिस गति पर स्टेटर का घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसी गति पर रोटर गति करता हो, मीन्स सिंक्रोनस गति और रोटर गति बराबर हो। तो हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। प्रश्न का उत्तर सी होगा, यानी वह मोटर क्या कहलाती है, तुल्यकालिक मोटर, हम उसको सिंक्रोनस भी कहते हैं। मोटर में स्लिप का मान 0 होता है और रोटर सदैव सिंक्रोनस गति के बराबर गति पर गतिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है, यानी तीन फेज की एक इंडक्शन मोटर है वो विपरीत दिशा में घूम रही है, इसका कारण क्या है। देखो इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए हम कोई भी दो फेज को परस्पर बदलते हैं, यानी किन्हीं भी दो फेजों को अगर आप परस्पर बदल देते हो तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ है मोटर उल्टी घूम रही है, यानी दो फेज बदल गए। तो दो फेज के लिए अपन को ऑप्शन दे रखा है D, कि फेज सिक्वेंस ऑफ दी सप्लाई लाइन गोट रिवर्स, यानी सप्लाई लाइन का फेज क्रम जो था वो रिवर्स हो गया, इसलिए मोटर उल्टी घूमेगी, स्वाभाविक है। देखो वोल्टेज सही नहीं है इससे तो मोटर या तो धीमे चलेगी या तेज होगी, स्पीड से थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता था, इसलिए प्रश्न का उत्तर D रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI कोड के अनुसार भूसंबंधन के लिए कौन सा रंग का तार, अर्थिंग के लिए तार पूछा है, तो अर्थ के लिए हरे रंग का होता है, नो डाउट इजी प्रश्न है, सबको याद था। जो ब्लैक है ये अपने न्यूट्रल के लिए होता है, यानी काले रंग का पूछा तो ये न्यूट्रल के लिए होता है। लाल और नीला फेज के लिए होता है, येलो और होता है फेज के लिए, वो अपन को ऑप्शन नहीं दिया। तो रेड येलो ब्लू यानी फेज न्यूट्रल और अर्थ, इनके लिए कुल 5 रंगों की तारें होती है, तो आप सब रंगों की तारों को जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक कौन सा है। ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसकी हम ओवरहॉलिंग नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं कर सकते, जिसकी सर्विस नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, ऐसा सर्किट ब्रेकर एमसीबी होता है। एमसीबी जब ख़राब हो जाती है तो हम उसको बदलते ही रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी कोई ओवरहॉलिंग नहीं होती। जबकि ओसीबी, एसीबी और एबीसीबी इनमें रिपेयर हो जाती है, या तो आर्किंग कॉन्टैक्ट हम चेंज कर सकते हैं, जैसे संट कॉइल ट्रिपिंग वाली या क्लोजिंग कॉइल, ये अगर जल जाती है तो इनको भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो जिनमें सर्विस नहीं की जाती वो एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के सेल के युगपथ संयोजन, देखो युगपथ हिंदी का तो नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप इंग्लिश देखो, कह रहे कनेक्टेड इन पैरेलल टू, सेल को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? तो धारा बढ़ाने के लिए, धारा क्षमता बढ़ाने के लिए हो जाएगा। वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता तो सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं। तो आसान प्रश्न है, जवाब अपन इस प्रश्न का दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल पुनरावेशनीय होता है क्यों? यानी लेड एसिड सेल ऐसा होता है जो रिचार्जेबल होता है, यानी हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जो रासायनिक क्रियाएँ होती है वो उत्क्रमणीय रिवर्सेबल होती है, यानी वो दोनों दिशाओं में चल सकती है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो बदल लेता है, इसलिए हम उसको चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक होता है ये भी सही है, और वेट सेल यानी गीला सेल है ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो रिचार्ज करने का कारण है वो क्या है? वो यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया इस तरह की होती है कि हम फिर से विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करा लेता है, जबकि प्राइमरी सेलों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो चार्ज नहीं हो पाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित्र के फील्ड परिपथ में सप्लाई अल्टरनेटर के फील्ड को पूछ रहे हैं। देखो फील्ड अल्टरनेटर का हो या डीसी जनरेटर का हो, अल्टरनेटर में तो अपन फील्ड को रोटर कहते हैं, फील्ड को एक्साइट करते हैं जिससे वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो फील्ड एक्साइटेशन के लिए हमेशा हमेशा डीसी सप्लाई होती है, कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न में आसान प्रश्न था, उत्तर रहेगा बी, ए डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा उसको हम सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर और सप्लाई वोल्टेज में टॉर्क में क्या संबंध होता है? तो इस प्रश्न पर पहले अपन बात कर चुके हैं, इंडक्शन मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी लाइन योगी प्रवर्तक से शुरू होने वाली तीन कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? देखो सीधी लाइन योगी है, अगर इंग्लिश की साइड प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो ड्यूअल स्टार्टर से स्टार्ट होती है, उसको हम शॉर्ट सर्किट जब हो तो प्रोटेक्शन किससे देंगे? तो ड्यूअल में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा हेतु बैकअप फ्यूज लगाए जाते हैं, जो ICTP या TPIC स्विच अपन जिसको कहते हैं, उसमें तीन फ्यूज लगते हैं, और वो बैकअप फ्यूज जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देते हैं। ओवरलोड रिले थर्मल टाइप की होती है और ये केवल ओवरलोड से बचाव करती है। 9 वोल्ट कॉइल जो होती है इसको अपन NBC कॉन्टेक्टर कॉइल और होल्डिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका काम होता है जब सप्लाई नहीं हो तब ये कॉन्टेक्टर को ड्रॉप करवा देती है और मोटर को बंद करवा देती है, या कॉन्टेक्ट को ऑन अवस्था में होल्ड करके रखती है, विद्युत चुंबक होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाव अपन को नहीं देती। और सिंगल फेजिंग परिमेंटर, ये जो डी ऑप्शन दे रखा है, ये तो मोटरों में स्पेशल लगाया जाता है और ये तब बचाव करता है जब मोटर में सिंगल फेजिंग हो। सिंगल फेजिंग यानी तीनों में से कोई एक फेज अनुपस्थित हो जाना, मोटर को दो फेज मिले और एक अब्सेंट हो जाता है तो वो सिंगल फेजिंग कहलाती है। उस दौरान बचाव करने के लिए सिंगल फेजिंग परिमेंटर होता है। तो अभी अपने इस प्रश्न का उत्तर सी रहेगा, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए बैकअप फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की अनुमत गति यानी रेटेड स्पीड 715 आरपीएम है, मोटर में पोल कितने होंगे? देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 715 अगर है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पोल आएंगे 8, क्योंकि मोटर की 715 तो रोटर गति है। सिंक्रोनस गति लगभग कितनी होगी? 750 आरपीएम, और 750 आरपीएम 8 पोल वाली मोटर के ही होते हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। पोल की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है F × 120/N, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू 120 बटा घूर्णन गति। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और घूर्णन गति 715 है, ये रख करके आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या उद्देश्य है? तो ये अभी ऊपर के प्रश्नों में अपन बात कर चुके कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए फेज बांटे जाते हैं, एक फेज के दो फेज बनाए जाते हैं
फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए हम या तो शेडिंग रिंग लगाते हैं या कैपेसिटर लगाते हैं। तो शेडिंग रिंग का काम है फेज अंतर उत्पन्न करना, यानी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करना। तो प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, यानी 90 डिग्री के जैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी तो वो ऐसे व्यवहार करेगा जैसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो ये काम शेडिंग रिंग का होता है। शेडिंग रिंग होती क्या है? तो ये कॉपर की शॉर्ट सर्किटेड क्वाइल होती है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ से दूरी डी पर रखे एक प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति में परिवर्तित होती है, यानी किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उसके दूरी के साथ कैसे संबंधित होती है। तो ध्यान रखना है, प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति तो उसको अपन ई से दर्शा सकते हैं, और ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। प्रदीप्ति तीव्रता जो कैंडला में मापी जाती है आई से उसको दर्शाते हैं, उसके तो समानुपाती होती है, और दूरी डिस्टेंस जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्रश्न का उत्तर अपना ए होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बटा डी स्क्वेयर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण पोल पर 11 किलोवोल्ट की एचटी लाइन है, ओवरहेड लाइन को संग्रहण करने के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर लगाएंगे। 11 किलोवोल्ट तक की लाइन है, एक ओवरहेड और स्ट्रीट लाइन है, स्ट्रीट रनिंग लाइन में पोल लगा हुआ है, किस प्रकार का इंसुलेटर लगेगा। तो देखो, 11 किलोवोल्ट तक अगर सीधी लाइन हो तो पिन इंसुलेटर लगता है। वैसे पिन इंसुलेटर को हम 33 किलोवोल्ट तक काम में लेते हैं, यानी 33 किलोवोल्ट तक अगर सीधी कोई लाइन हो तो वहाँ पर पिन इंसुलेटर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 35 ओम और 15 ओम वाले प्रतिरोधक वाले सीरीज परिपथ में 5 वोल्ट बैटरी संयोजन पर लगी है, तो 15 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। देखिए, दो रेजिस्टेंस है, एक 35 का है और एक 15 ओम का है, और इन दोनों को हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो इस 15 वोल्ट वाले पर कितने ड्रॉप हो रहे हैं ये ज्ञात करना है। देखो, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम, इसलिए परिपथ की धारा हो जाएगी 1/10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि I बराबर V/R, वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 50, 5/10 करेंगे, धारा का मान हो गया 1/10 एम्पियर। अब देखो, ये जो टोटल करंट 1/10 एम्पियर है, यही तो 35 ओम में से प्रभावित होगी और यही 15 ओम में से प्रभावित होगी, यानी 15 ओम और 35 ओम दोनों में धारा का मान एक जितना ही रहेगा। तो प्रतिरोध का मान 15 ओम हो गया और धारा का मान है 1/10। तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, I इंटू R, तो ये R और I है, इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर आएगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि V बराबर I इंटू R करना है, तो R तो 15 ओम हो ही गया और वोल्टेज का जो धारा का जो मान है वो। और अगला प्रश्न है कि 3 शाखाओं के एक जंक्शन में अगर जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराएं 2 एम्पियर और 5 एम्पियर हो तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार जंक्शन से निकलने वाली धारा का मान कितना होगा। देखो, टोटल 3 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं आ रही है, इसका मतलब एक शाखा जाती है। किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है कि जंक्शन में आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो, 5 और 2 7 एम्पियर, यानी 2 शाखाओं में से अगर 7 एम्पियर की धारा आती है, इसका मतलब उस एक शाखा में से 7 एम्पियर धारा ही जाएगी, यानी जितनी आती है उतनी जाती है, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर था। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, क्योंकि 7 एम्पियर आ रही थी तो 7 एम्पियर ही जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में प्रतिरोधक R2 पर वोल्टेज ड्रॉप का मान बताइए। देखो, R2 प्रतिरोधक ये है 40 ओम वाला, तो दोस्तों 150 वोल्ट की कुल सप्लाई है आप देख रहे हैं जैसा कि, और अलग अलग प्रतिरोध है। आपको बता दूं, ये प्रतिरोधकों का मिश्रित संयोजन कहलाता है, और सबसे पहले आपको 40 और 60 इन दोनों रेजिस्टेंस को देखना होगा, R2 और R4 को, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम। ये R3 के 100 ओम के साथ पैरेलल में इन दोनों का टोटल हो गया 50 ओम। अब 50 ओम तो इन R2, R3, R4 का आया, 100 ओम R1 का था, यानी टोटल रेजिस्टेंस 150 ओम आया। 150 वोल्ट में जब अपन भाग देंगे तो धारा आएगी 1 एम्पियर। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले परिपथ की हम धारा ज्ञात करेंगे जो यहाँ से चल रही है, और उस धारा का मान है 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर वाली इस 100 ओम में से जाएगी तो 100 वोल्ट तो ये ड्रॉप करा जाएगा, बच्ची भी इस शाखा पर मिलेगी, और इस शाखाओं का बराबर रेजिस्टेंस था, कोई दिक्कत नहीं है। जो 50 वोल्ट बची वो इन दोनों को मिलेगी, यानी
40 ओम और 60 वोल्ट 60 ओम जो दोनों थे, इन दोनों को 50 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अगर इन दोनों के हिसाब से आप देखो तब भी अपन देख सकते हैं कि धारा का मान 1 एम्पियर यहाँ था तो 0.5 इधर हो जाएगा, 0.5 यहाँ, यानी 0.5 एम्पियर की धारा इस साइड आएगी। 40 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अगर अपन देखेंगे तो 0.5 इंटू 40 तो 20 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, यानी 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको 20 वोल्ट मिलेगी, तो यहाँ 20 रह जाएगा। और इस 60 ओम वाले को कितनी मिलेगी, 30। 40 और 60 दोनों को कितनी मिल रही है, 50, तो दोनों के लिए 50 वोल्ट का आंसर रह जाता, तो प्रश्न का उत्तर होगा ए। यानी अगर इस 60 ओम वाले इस पर अपन से पूछ लिया जाता तब तो अपना उत्तर होता सी, 30 वोल्ट। और अगर अपन से इस R3 100 ओम पर पूछ लेते तब अपना उत्तर होता 50, और इस पर अगर पूछ लेते तब भी अपना उत्तर होता 100 के हिसाब से तो 100 वोल्ट, तब उत्तर डी हो जाता। यानी अलग अलग है, यहाँ 100 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, बची हुई 50 वोल्ट इस अकेले को मिल रही है और इन दोनों को मिल रही है, तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक ताप गुणांक रेजिस्टर में प्रतिरोधक का मूल्य कैसे होता है। देखो NTC होते हैं ये, पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट। इनमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग की जांच करने हेतु क्या लेंगे, यानी इंसुलेशन की जांच करनी है हाई पोटेंशियल पर, तो मेगर काम में लेते हैं अपन, हम सब जानते हैं मेगर का उपयोग करेंगे। हाई पोटेंशियल पर इंसुलेशन की जांच के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं, प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अगर टर्मिनल AB पर एक ओममीटर रखें तो आकृति में ओममीटर का प्रतिरोध मान कितना होगा, जहां प्रत्येक प्रतिरोधक का मान 100 ओम हो। यहां A और B बिंदुओं के बीच में कुल प्रतिरोध पूछा जब सारे 100 ओम के हो। देखो ये 100 ओम का और 100 ओम का, तो ये लास्ट वाले दोनों प्रतिरोधक ऐसे संयोजन जब भी आ जाए दोस्तों, आपको सबसे पहले लास्ट दो प्रतिरोधक ही देखने होते हैं। देखो अंतिम दो प्रतिरोधक समांतर में है, 100 और 100, इनका उत्तर आ जाएगा 50 ओम। अब देखो 100 और 50 ये तीनों श्रेणी क्रम में है और इनका टोटल हो गया 250, मतलब इन चारों की जगह 1 2 3 4 इन तीनों की जगह एक लगेगा और 250 ओम का, ये आपका 100 ओम का है। यानी 250 और 100 का आप निकालोगे तो ये आएगा 71.42 वोल्ट और ये 100 ओम का है, तो टोटल अपन करेंगे तो 171.42 ओम उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। एक बार तरीका दोबारा सुन लीजिए, बाकी आप करके इसका मिलान जरूर कीजिए। सबसे पहले लास्ट प्रतिरोधक को देखो तो ये अंतिम दो समांतर में है, ठीक है, तो 100 और 100 है, इन दोनों का हो गया 50 ओम। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तो है ही नहीं, और ये जो है ये 50 ओम का है एक तरह से। अब ये 100 का था, ये 100 का था, ये तीनों सीरीज में आ गए, इनका 250 हो गया। ये 250 का एक प्रतिरोधक इस 100 के साथ समांतर में है, तो 250 और 100 का आप निकालोगे उत्तर आएगा 72.42, और ये 100 इसके श्रेणी क्रम में था, इसलिए टोटल हो जाएगा 171.42, प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। और अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है कि पाइप अर्थिंग में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई कैसे तय करेंगे, यानी कितना लंबा पाइप हो कि जिसको अपन ज़मीन में डालेंगे। तो ये चीज़ डिसाइड करती है कि वहाँ मिट्टी की प्रकृति कैसी थी, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर उसमें कितनी थी। अगर नमी ऊपर ही आ जाती है तो ज़्यादा गहराई तक डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नमी नहीं है, देखो अर्थिंग का प्रतिरोध मतलब ये होता है कि हम उसके चारों ओर नमी बनाए रखें, क्योंकि नमी से रेजिस्टेंस घटता है, अर्थ के प्रतिरोध को कम करना है हमें, इसके लिए मॉइस्चर होना ज़रूरी है। तो अगर नमी आ जाती है वहाँ तक हमें पाइप डालनी होती है, इसलिए मिट्टी की आर्द्रता ये डिसाइड करेगी कि कितनी गहराई तक हमें पाइप डालनी होगी। अगला क्वेश्चन है कि पाइप अर्थिंग में चारकोल और नमक का उपयोग क्यों करते हैं, तो हम सब जानते हैं प्रतिरोध घटाने के लिए करते हैं, यानी अर्थ का प्रतिरोध कम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध जितना कम होगा लीकेज धारा उतनी वहाँ से अधिक प्रवाहित होगी। हम चाहते हैं कि अर्थिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, इसलिए अर्थ का प्रतिरोध कम करने के लिए हम वहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए नमक और चारकोल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभव में पतन किस विधि में प्रयोग किया जाता है। अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो ये है फॉल ऑफ पोटेंशियल। मापी यंत्रों के लेसन में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पर जो हम काम करता है उसको हम अर्थ टेस्टर कहते हैं, यानी अर्थ का रेजिस्टेंस नापने के लिए जो काम आता है वो फॉल ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि का मतलब ये होता है बाहरी साइड में AC वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, अंदर उसको DC में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए अपन DC का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए रहेगा, अर्थ रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है कि होल प्रभाव
टोंग टेस्टर किससे नापने हेतु उपयुक्त है? देखो, होल प्रभाव वैसे चुंबकीय सर्किट में होता है, लेकिन टोंग टेस्टर अगर शब्द दे दिया तो हम समझ सकते हैं कि टोंग टेस्टर जो होता है वो एसी डीसी करंट नापने के लिए अपन काम में ले सकते हैं। हालांकि टोंग टेस्टर से केवल एसी मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन होल प्रभाव पर जो काम करता है ये चुंबकीय सर्किट में होता है, तो वो एम्पलीफिकेशन करके अपन माप सकते हैं। तो होल प्रभाव पर आधारित टोंग टेस्टर होता है, उससे हम एसी और डीसी दोनों धाराएं नाप सकते हैं। लेकिन अगर अकेला टोंग टेस्ट नाम दे दिया जाए तब ध्यान रखना है केवल एसी की करंट नाप सकते हैं हम। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में अपद्रव्य इसे बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, यानी अर्धचालकों में इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं? देखो, अर्धचालकों में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, प्रश्न पहले आ चुका है, और डोपिंग उसकी चालकता बढ़ाने के लिए करते हैं। यानी इंट्रिंसिक पदार्थ को एक्सट्रिंसिक पदार्थ जब बनाना हो तो इसके लिए हम डोपिंग करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अशुद्धियाँ मिलाते हैं 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाली। अगला प्रश्न है कि शुद्ध साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? तो डी उत्तर रहेगा, साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। अगर आरएमएस मान पूछ लेते तो 0.707 होता है, औसत मान पूछ लेते तो 0.637 होते हैं, और अगर पीक फैक्टर का मान पूछ ले तो 1.414 होता है। लेकिन अगर त्रिभुजाकार वेव के लिए फॉर्म फैक्टर आपसे पूछ लिया जाता तो 1.15 होता है, अगर वर्गाकार वेव के लिए पूछ लिया जाए तब इकाई होता है। यानी तीनों वेव का फॉर्म फैक्टर भी आपको याद रखना है। प्रश्न का उत्तर अभी डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? देखो, वैसे तो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, नुकसान भी है। ईजी जनरेशन उत्पादन, तो आई थिंक डीसी की अपेक्षा एसी का उत्पादन ज़्यादा ईजी होता है। ईजी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं तो एसी में ही अपन 400 केवी तक हाई ट्रांसमिशन कर सकते हैं, 765 केवी तक ही कर सकते हैं, डीसी इतना संभव नहीं था। स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि स्टेप अप स्टेप डाउन एसी के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जबकि डीसी में जब स्टेप अप करना हो तो बूस्टर लगाते हैं, स्टेप डाउन करना हो तब रेजिस्टर प्रतिरोधक लगाते हैं, इसलिए दोनों युक्तियां अलग अलग हो गई। तो एक ही ऑप्शन है, इजी स्टोरेज, डीसी को स्टोर आसानी से कर सकते हैं, वो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, और तो कोई ऑप्शन अपने पास नहीं रहता है। तो प्रश्न का उत्तर वैसे डी करेंगे कि इजी स्टोरेज अपन इसका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कारणों से ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन से ज़्यादा स्टार कनेक्शन को पसंद किया जाता है? यानी डेल्टा के अपेक्षा स्टार को हम क्यों लगाते हैं? तो प्रश्न देखिए क्या कहता है, कि वोल्टेज का प्रचालन कम होता है, रिड्यूस वोल्टेज ऑपरेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज ऑपरेशन कम नहीं कर सकता, वो तो लगभग ही। टर्न की संख्या कम होती है, नहीं इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इंक्रीज द साइज ऑफ कंडक्टर, चालकों का आकार, ऑल ऑफ द अबव, तो वैसे तो इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, कोई ज़्यादा क्लियर ऑप्शन है नहीं, और देखा जाए तो सारे ऑप्शन ही हैं, क्योंकि वोल्टेज डेल्टा के अपेक्षा स्टार में कम हो जाती है, टर्न फिर वोल्टेज कम होगी तो टर्न कम होंगे ही होंगे, और बड़े आकार के चालक भी अपन फिर लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेंगे। हालांकि प्रश्न सही नहीं है, ये उन्होंने खुद ने रिव्यू के लिए भी भेजा था इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गलनांक उच्चतम होगा? यानी इनमें जो देखा जाए तो एल्यूमिनियम का लगभग 960 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, जबकि कॉपर का है 1083 डिग्री, और ये हम जानते हैं कि टिन तो सबसे नरम धातु है ही, सीसे का इतना नहीं कह सकते, तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा यहाँ पर वो कॉपर का होगा, यानी तांबे का गलनांक सबसे उच्च है, तो प्रश्न का उत्तर अपन बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तार के गेज में उच्च धारा प्रवाहित होगी? देखो, ज़्यादा धारा उसमें से प्रवाहित होगी जो तार मोटा हो, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, यानी अगर क्रॉस सेक्शन अधिक हो तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब SWG में, स्टैंडर्ड वायर गेज पूरा नाम होता है, तार की संख्या जितनी छोटी होती है साइज उतना ही बड़ा होता है, यानी इनमें अगर अपन देखें तो 26 नंबर साइज जो है तो ये अपनी सबसे पतली तार है, 26 नंबर जो है ये सबसे पतली तार है, 24 इससे थोड़ी सी मोटी होगी, 20 है तो इससे भी मोटी होगी, 18 सबसे मोटी है। यानी SWG साइज में क्या होता है कि संख्या अगर कम है ना तो तार का साइज उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है वो 0 से लेकर 36 SWG तक देता है, तो ऐसे मानते हैं कि 0 साइज सबसे बड़ा है और 36 सबसे पतला, यानी यहाँ 26 पतला है तो 24 उससे थोड़ा मोटा है, 20 उससे मोटा है, 18 मोटा है, इस ऑप्शन के अनुसार 18 SWG सबसे मोटा है, इसलिए ज़्यादा धारा इसी में से चलेगी, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम है और धारा उसमें से अधिक प्रवाहित होगी, तो प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम चालकता होगी, सबसे अधिक चालक कौन है? तो देखो, सिल्वर है, नो डाउट, चांदी सबसे अधिक चालक होती है, ठीक है,
चांदी के बाद में आता है तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। अगर आपसे सीक्वेंस वाइज बताऊं तो चांदी एक नंबर पर है, तांबा दो नंबर पर है, सोना नंबर तीन पर है और एल्यूमिनियम नंबर चार पर है। ध्यान रखना तो सबसे अधिक चांदी है, लेकिन उपयोग के आधार पर सबसे ज़्यादा कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर काम में लेते हैं, चांदी लेंगे नहीं, महंगी बहुत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम है? देखो प्रचालन काल नहीं, इन्होंने गलत पूछा है, लिस्ट ऑपरेटिंग लाइफ, लाइफ पूछ रहा है, जीवन काल सबसे किसका है। देखो प्रचालन का मतलब आप अगर स्टार्ट होने का तरीका समझ लेते हो तो ध्यान रखना LED तीव्र प्रकाशित होती है, लेकिन यहाँ पर अपन से लाइफ पूछी जा रही है, तो लाइफ ट्यूबलाइट की सबसे कम होती है। फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं ये जल्दी फ्यूज होते हैं, मर्करी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप और LED, इनसे जब भी तुलना करेंगे ट्यूबलाइट सबसे जल्दी फ्यूज होती है, ट्यूबलाइट की लाइफ सबसे कम होती है। प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमन प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई है, ज्योति फ्लक्स की है, और जो बी ऑप्शन अपन को दिया गया ज्योति तीव्रता, इसकी इकाई होती है कैंडला। फ्रीक्वेंसी की हम सब जानते हैं, चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज, और प्रकाश की वेवलेंथ ये मीटर में होती है, तो ल्यूमन जो है वो प्रदीप्ति फ्लक्स का। प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में मुख्य इलेक्ट्रोड किसका होगा? लैंप में मुख्य इलेक्ट्रोड हमेशा टंगस्टन के ही होते हैं, बहुत कम है जिनमें एक ही लैंप है जिसमें कार्बन का फिलामेंट होगा, और वो स्पष्ट नाम आता है कार्बन फिलामेंट लैंप, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी रहेगा कि टंगस्टन का फिलामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डायोड का सामना की बिना भंग के उत्क्रम दिशा में अधिकतम वोल्टेज सहन कर जाए उसे क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न आपको इंग्लिश में ही समझ आएगा, ये कह रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो एक डायोड रिवर्स बायस में सहन कर जाता है बिना ब्रेकडाउन हुए, उसको हम डायोड की PIV कहते हैं, पूरा नाम होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। प्रश्न का उत्तर रहेगा बी। ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव डायोड में तो ये सेकेंडरी की पीक वोल्टेज के बराबर होगा, यानी AC का जो पीक होगा, और फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टेप वाला होता है उसमें दोगुनी होती है। प्रश्न का उत्तर बी रहेगा, PIV कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण PN जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर की तरह काम करने के लिए कहता है? रेक्टिफायर के लिए तरह काम करने का ऑप्शन इसको देता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस वाली विशेषता। एक बार फॉरवर्ड में आएगा, एक बार रिवर्स में आएगा। फॉरवर्ड में आएगा तब काम करेगा नहीं, सॉरी करेगा, और रिवर्स में आएगा तब काम नहीं करेगा। यानी जब फॉरवर्ड में होता है तो प्रतिरोध कम होता है और धारा चलती है, रिवर्स में होता है तो प्रतिरोध हाई होता है और धारा नहीं चलती है। एक दिशा में धारा चली और एक दिशा में नहीं चली, मतलब करंट को रेक्टिफाई कर दिया। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम अर्धचालकों में एनर्जी गैप का मान कितना होता है? तो जर्मेनियम में एनर्जी गैप का मान 0.72 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर सिलिकॉन का पूछ लेते हैं तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। ध्यान रखना ये अपन से एनर्जी गैप के बारे में बात कर रहा है, एनर्जी बैंड के बारे में बात कर रहा है। अगर सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल पूछ लेता तब 0.1 से 0.3 वोल्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट होता है। और अगर अपन से एनर्जी बैंड पूछ रहे हैं तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है, हमेशा एक कॉमन सामान्य संग्राही विन्यास, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भारपूर्व अपनी अंतिम अवस्था को, उस अवस्था का मुख्य काम क्या है? प्रश्न इंग्लिश में ही पढ़ना, आपको समझ में आएगा, हिंदी तो समझ आएगी नहीं। क्या कह रहा है कि ऑफन ए कॉमन इलेक्ट्रिक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर बिफोर द लोड। लोड से पहले जो मेन एक स्टेज आती है, तो ध्यान रखना है कॉमन कलेक्टर जो होता है इसकी करंट गेन अधिक होती है, ध्यान रखना इसकी करंट गेन अधिक होती है, कॉमन बेस की वोल्टेज गेन अधिक होती है, और कॉमन गेन एमीटर की करंट वोल्टेज और पावर तीनों गेन बेटर होती है। तो ये इम्पीडेंस मैचिंग के काम आता है केवल और केवल, जब हमें उच्च प्रतिबाधा को निम्न प्रतिबाधा वाले किसी सर्किट से मैच करवाना हो, जॉइंट करना हो, तब अपन कॉमन कलेक्टर का उपयोग करते हैं। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा कि टू प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, यानी जब इम्पीडेंस मैचिंग हमें करवानी हो तब इसके लिए अपन काम में लेते हैं।